आवाज आती है गड़गड़ाहट की, बहुत खतरनाक आवाज आती है, घबराहट होती है दिल में। उनके घरों में जाता लोग वैसे ही मर जाते दम घुट के। ये देखो कोई फिगर नहीं है, कोई जान का वो नहीं है, बच्चों को की कब काफी नुकसान हुआ है कोटद्वार के गड़ीघाट में। जय बद्री केदार जी की जय हो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं कोटद्वार के गड़ीघाट में पहुंच गया हूं और यहां से आपको आज बिल्कुल काफ़ी दिनों के बाद मैं यहां से आपको फिर से एक बार एक खबर दिखा रहा हूं कि कोटद्वार के गड़ीघाट में कितना नुकसान हुआ है। और अभी भी धीरे धीरे करके जैसे मौसम बन रहा है बारिश की, तो नदी जो पहाड़ों से जो नदी क्या है वो ज़्यादा संभावना है। कभी भी खतरे में अभी भी कोटद्वार के जो गड़ीघाट क्या है वो बना हुआ है। लोग अभी भी डर के सहारे में अभी भी जी रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी पुल की मैं अभी स्थिति दिखा रहा हूं आपको, जो पुल काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो बने रहे आप हमारे चैनल में। वो सड़क है वो पूरी, कौन सा वो लास्ट में दिखाई दे रहा था वो पुल के नीचे? हाँ वो सड़क है वो, वहाँ वो सड़क की यार, वो सड़क बहरी की पूरी पूरी खत्म हो गई हो तो। वो छोटा वाला पुल है, झूला पुल, एक दो गाड़ी का हो गया। तो अभी ये गड़ीघाट में हो और गड़ीघाट में ये नदी देख रहे हैं आप अभी, और उधर जो पुल दिख रहा है आपको, तो पुल के बगल में जो आपको ये सड़क दिख रही है तो पूरी सड़क भी बह चुकी है। बाकी पुल के बगल में झूला पुल है, तो झूला पुल से लोग अभी जा रहे हैं। तो पुल को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। बाकी ये मकान देखिए सभी टूटे हुए हैं, देखो सब बह गए हैं इस साइड पे भी, ये देखिए आप। ये देखिए दरार, तो ये वाला हिस्सा भी कभी चला जाएगा जैसे बारिश, जैसे नदी जैसे थोड़ा और बढ़ेगी तो ये हिस्सा भी जा सकता है धीरे धीरे। सारे खतरे के निशान पे हैं इधर, ये साइड पे देखिए, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही है। ये देखिए तो पूरा ये सब ये खतरे की निशान में है। पूरा खाली है कि लोग हैं इधर? लोग खाली कर दिया। अच्छा पर लोग तो हैं भी इधर? अरे वो उधर को गए हैं, आगे तो किसी का घर है। अच्छा तो ये पूरा बिल्कुल खाली हो गया है सारा, तो आज मैं यही दिखा रहा हूँ आपको आज। तो पहले वाली वीडियो में तो आपने देख लिए होंगे जब आपको मैंने दिखाया था, काफ़ी यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुआ था। बाकी अभी दोस्तों गड़ीघाट वाला जो पुल है आ रखा हूँ, तो यहाँ पे अभी पुल को जोड़ने का काम चल रहा है। बाकी आपको एक बार मैं पूरा दिखा रहा हूँ कहाँ से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये देखिए आप। तो पुल बिल्कुल यहाँ से साइड से बिल्कुल टूटा हुआ है, बिल्कुल ये टूट गया है आपको देखो। काफी टूटा हुआ है, कितना है 10 मीटर तो होगा कम से कम, है कम से कम 10 मीटर के करीब लगभग ये वहां से और यहां तक बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमसे बाकी ये नदी देख रहे हैं आप, और ये नदी है यहाँ पे, तो लोग अभी भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो नदी के किनारे अभी भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो बिल्कुल जो नदी के किनारे अभी भी मकान क्या हैं, बिल्कुल वो अभी भी खतरे की जोन में है। अच्छा वो लगा रहे हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब लोग, तो पुल को यहाँ पे बिल्कुल बचाने की कोशिश हो रही है।
पुल के बगल में यहाँ पे झूला पुल था, ये लोग का यह रूम। तो ये अभी झूला पुल है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे खड़े हो रखे हैं, तो काम चल रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे दिख रहा है पूरे कूड़े का जो चट्टान क्या है, ये देखिए, तो पूरा कूड़ा शहर का कूड़ा ही कूड़ा पूरा, ये देखिए, ये नहीं गया, ये बिल्कुल सेफ है। क्यों ये नहीं गया? ये बिल्कुल सेफ है। कौन? ये पूरा कूड़ा पूरा साफ हो गया वो? नहीं, आधा हिस्सा साफ है ना, बाकी तो रह गया ना, बाकी मकान उकान सब बह गए हैं, कूड़े का केवल आधा हिस्सा साफ हुआ है। अगर ये पूरा ही कूड़ा अगर टूटता है तो कई लोग काशीरामपुर साफ हो जाता है। हाँ, अगर ये पूरा काशीरामपुर पूरे मैंने अगर ये कूड़ा ही का अगर ये पूरा ये चट्टान अगर ये पानी में बहता टूटता तो पूरा जितने भी क्या था ये लोगों के घरों में जाता, लोग वैसे ही मर जाते दम घुट के, क्योंकि इतनी बदबू है इसमें बहुत ज़्यादा, कई सालों का कूड़ा है, सारा कूड़ा यहीं पे इकट्ठा है। बाकी लोग अभी देखो नदी में, ये देखो कोई फिक्र नहीं है, कोई जान का वो नहीं है बच्चों को कि कब पहाड़ में, कब ये पहाड़ों में जब बारिश हो रही है कि कब नदी आ जाए, कोई फिक्र नहीं है, तो किसी खतरे से खाली नहीं है अभी भी नदी। अभी भी लोगों का भी सावधान हो जाना चाहिए, कब नदी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जबकि ये पुल अभी बना था, नया पुल है ना, ये ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इस पुल को बने हुए, जैसा आप देख सकते हैं जितने भी पुल क्या बने हुए कोटद्वार शहर में एक के बाद एक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अब ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 11 साल तो अभी तक ये टिके नहीं है, 8-10 साल से तक अभी कोई पुल टिका नहीं है, और जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जो पुल क्या हैं वो अभी भी मजबूत हैं। ये पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का है ना, ये पुल अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, तो ये देखिए बिल्कुल ये अभी भी टिका हुआ है मजबूती से। तो देख सकते हैं आप भारत में कितना भ्रष्टाचार, कितना क्या कुछ हो सकता है, उसका ये उदाहरण भी है। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सड़क जा रही थी इस साइड पे, कुंभी चौड़ के लिए जा रही थी सड़क, तो पूरी यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको जूम करके दिखाया था, अभी आपको बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये सड़क यहाँ पे बह चुकी है, देख रहे हैं आप, तो पूरा रास्ता ये यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुका है। अभी कब बनेगा कुछ पता नहीं है, अभी तो पुल को अभी बचाने का काम हो रहा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, बाकी धीरे धीरे करके ये भी थोड़ा डैमेज हो रहा है, क्योंकि एक तो काफ़ी पुराना हो गया है साइड पे, ये यहाँ पे सड़क, ये सड़क जा रही है साइड पे, तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट रास्ता था जो इधर ये कुंभी चौड़ को जो जाने वाला रास्ता था, इस रूट पे काफ़ी सारे यहाँ पे घर थे, तो वही वाला जो रास्ता क्या है, ये रास्ता बिल्कुल यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल बाउंड्री कर दी है। और इधर भी इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बंद कर दिया है, इस लाइन में बहुत सारे मकान थे, तो काफ़ी मकान यहाँ पे बह चुके थे जैसे आप देख सकते हैं। जूम बढ़ा है, बढ़ा दिया, ये देखिए आप कितने मकान होंगे बाकी वहाँ तक, यहाँ पे वो सफ़ेद वाला मकान है, यहाँ पे गाड़ी घाट के लगभग रहे मकान 15-16 के लगभग, 15-16 मकान थे वहाँ तक जहाँ पे वो सफ़ेद मकान है। हाँ, तो किसी में दो दो मकान गए, किसी में सिंगल गए, किसी में तीन मकान चले गए। तो जैसे आप देख सकते हैं तो कम से कम 15-16 मकान इसी लाइन में गए हैं, ये देखिए आप यहाँ से बिल्कुल वहाँ तक, तो 15-16 मकान बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे मकान यहाँ पे बह चुके हैं नदी में। बाकी जो मकान के जो मकान अभी क्षतिग्रस्त हो चुका है, उस मकान के पीछे भी आप देख सकते हैं, वो भी अभी बिल्कुल
खतरे की निशान में है। तो वो सफेद वाला मकान तो बिल्कुल खतरे की निशान में, वो देखो बाकी यहाँ पे काम चल रहा है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए पुल का जो एक हिस्सा था तो इस पे यहाँ पे भरान हो रहा है। तो ये वाले पिल्लर क्या है, इनको भी तो खतरा है, इन पिल्लरों को। वो पिल्लर तो पूरा खा गए हैं। हाँ वो तो बिल्कुल खा दिया है, देखो आगे से टूट गए, वो तो टूटा ही है। मैंने इनको भी खतरा है, अगर नदी का अगर जलस्तर बढ़ता है तो ये भी खतरे के निशान में इस साइड पे। बाकी आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये पुल है यहाँ पे, तो पुल से ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, जैसा आप देख सकते हैं। तो नदी तो पहले इधर थी ना, इस साइड पे टक्कर मारी ना उधर। अच्छा वहाँ से उसने टक्कर मारी, पहले ब्लूइंग वेल में मारी टक्कर, ब्लूइंग वेल से इधर को गई फिर वापस इधर को। अच्छा भौर बना के उसने बहुत काटा यार उसने पानी तो। हाँ देख इधर था ना पानी, हाँ उधर काट दिया उसने पूरे तरह। अच्छा तो नदी का वो पूरा उधर। हाँ जैसे अभी पहाड़ में जब अगर बारिश अभी भी होगी तो हो जाएगा फिर काट दे, वो तो बहुत काटेगा ही। वो तो अभी भी बहुत, अभी भी लोग अभी भी पता नहीं कैसे रह रहे हैं अभी भी। झूला पुल में भी खतरा अभी बना हुआ। अरे ये अंग्रेजों का टाइम का, पर ये है मजबूत है, ये तो लाल पुल का अंग्रेजों का, ये तो बात है इसका यार कि नेटवर्क कैसे कस गए यही है मजबूत में, यही है पिलर नहीं है कुछ नहीं है, पर ये भी खतरे के निशान पे, ये भी आप बीवी हो सकता है। जब ये बड़े बड़े अच्छे खासे पुल चले गए हैं ना, आप है तो वहाँ से पिलर टूट गया ना, उसका पिलर वो, हाँ वो मेन वो हो गया ना, तो हो सकता है तो ये पुल भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये भी क्षतिग्रस्त लगभग काफ़ी हो चुका है। तो साथियों मैं पहुंच गया हूं अपने दोस्त की दुकान में, और आज मैंने आपको दिखाया है कि गढ़ी घाट में काफ़ी दिनों बाद जो यहाँ पे 3-4 दिन के बाद जो यहाँ पे नुकसान हुआ था, तो अभी दिखाया मैंने कि आप लोगों की लोग अभी भी कैसे यहाँ पे वहाँ पे रह रहे हैं। तो अभी मेरे साथ है हमारे मित्र हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया में भी एक्टिव भी रहते हैं, और उनका घर भी वहीं पे है, नदी के पास में ये घर उनका है। तो सजवान जी हैं, जितेंद्र सजवान जी, तो बात करते हैं उनसे। सजवान जी, आपके मकान तो घर के पास में है, तो खतरे की स्थिति कैसे बनी है वहाँ पर? खतरे की स्थिति ज़्यादा है वहाँ पर, और खनन जो है अगर लगातार ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में वहाँ सर्वाधिक भयंकर तरीके से विनाश होने की संभावना है। तो जैसे क्या कहते हैं, जो आपसे पहले जो और मकान है वो मकान तो जैसे 2-4 मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो तो चले गए हैं, तो कुछ मतलब उन लोगों से कुछ बातचीत हुई आप लोगों की, कुछ शासन प्रशासन से कुछ मिला उन्हें आश्वासन? मात्र आश्वासन मिल रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी सभी लोग लगभग जिन लोगों के निकटतम जो बह गए हैं वो सब किराए में रह रहे हैं, जिनके निकटतम घर हैं वो भी किराए में रह रहे हैं लोगों के यहाँ रेंट में। सरकार द्वारा ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई कि उनको कोई किराया मिले या मुआवजा मिले या किसी तरह का सहायता प्रदान हो। तो आपके मकान भी तो वहीं पर है, नदी के वहीं पास में ही है, तो जैसे नदी का जब जलस्तर बढ़ता है ना, तो रात भर सोते नहीं हैं आप लोग? आवाज़ आती है गड़गड़ाहट की, बहुत खतरनाक आवाज़ आती है, घबराहट होती है दिल में ये कहीं नदी का मुंह ना मुड़ जाए। उस दिन हुआ क्या, जब आप लोग जब नदी का जब जा रही, जब 3-4 दिन पहले जब ये घटना हुई थी तो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था? अचानक जब नदी का जलस्तर बढ़ा था तो लोग वहाँ से उस समय कैसे जी रहे थे उस समय लोग वहाँ पे? 10:30 बजे से उसका बहाव बढ़ने लग गया था, उसके बाद गड़गड़ाहट की जब आवाज़ हुई तो कई लोग रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। 12 बजे से मकान टूटने शुरू हो गए थे, तो लोग परेशान हो गए, इधर से उधर भाग देते, और रात्रि का टाइम था, बारिश थम नहीं रही थी, तो बड़ा मुश्किल सा जीवन व्यतीत हो रहा था उस समय लोगों का। हम भी सहमे में थे कि नदी अगर और आगे से टूटती तो हम लोगों को भी ज़्यादा नुकसान होता, पानी भर जाता घरों पर।
और क्या बोलते हैं, विधायक आई थी उस समय सुबह, तो क्योंकि उस दिन तो हमसे तो हमने तो देखा नहीं विधायक साहब को उस दिन, तो आई थी विधायक आई थी 2 मिनट के लिए, उसके बाद खाली आश्वासन दिया और चले गए, क्योंकि वहाँ पर रास्ता भी नहीं था कि आगे देखा जा सके, कि नदी पूरे घरों को तोड़ रखी थी, आगे देखा नहीं जा सकता। पल्ली पार वाले देख रहे थे, जो नदी के पल्ली पार वाले, उन्हीं लोगों ने वीडियो बना के सभी जगह भिजवाई कि यहाँ गाड़ी घाट में इतना नुकसान हो गया है। अभी जैसे जैसे आप लोगों का मकान वहाँ पे है, तो जैसे वो जब जेसीबी लगा हुआ है, तो नदी का जलस्तर वो किस तरफ कर रहा है, वो राइट उस तरफ करा रहा है या कि जहाँ पे मकान, जो मकान ध्वस्त हो रखे हैं वहाँ पे करा रहा है? वैसे पानी तेज है तो जलस्तर अभी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि कभी भी पानी बढ़ सकता है, घट सकता है, अगर ये कुछ भी कार्य करेंगे तो वो नुकसान ही होगा। बाकी तो परमात्मा की क्या इच्छा है, वो क्या कर सकता है, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। बाकी तो जो ये प्रकृति का जो बना है, कब अगर बारिश होती है पहाड़ों में, कब नदी का जलस्तर बढ़ता है, तो लोग अभी भी वहाँ पे बिल्कुल अभी भी डर के सारे में, अभी भी साए में लोग अभी भी जी रहे हैं, कब क्या हो सकता है किसी को कुछ पता नहीं है। तो चलो दोस्तों, मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, तो आई होप आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को आप बिल्कुल लाइक कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जब शासन प्रशासन को पहुँचे तो कम से कम उनके कानों में तो कम से कम ये भनक तो होगी कि कोरदार के जो विकास, जो कोरदार का जो गड़े घाट का आप स्थिति देखी होगी आप लोगों ने, तो क्या स्थिति बनी हुई है, कम से कम यहाँ पे काम तो होगा। जो लोग, जिन लोगों का मकान यहाँ पे बिल्कुल तरह से यहाँ पे बह चुके हैं, टूट चुके हैं, तो लोग कहाँ जाएँ? कुछ लोग तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, कुछ किराए में लेके कुछ रह रहे हैं, काफ़ी स्थिति बनी हुई है ना। तो चलो ये दोस्तों, ये ब्लॉग आप शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसे फिर खबर मिलती है। ओके दोस्तों, बाय बाय।